हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भव्य और आज मैं आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये मेरे बाकी वीडियो से काफ़ी अलग वीडियो है। आई होप आप लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है ऐसा मेकअप करते हुए, ऐसी वीडियो बनाते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करूँ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब रिलेट कर सकते हो आप लोग मेरी इस वीडियो से। क्योंकि जो हमारे देश में एंड हमारे समाज में होता है लड़कियों के साथ, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सारी लड़कियों के साथ होता है, बट कुछ के साथ तो ऑफकोर्स होता है। सो आप लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो आई होप आज की मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जो मैसेज मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, वो आप समझ पाएंगे। सो ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं अपने सारे वीडियोस में इस स्टेप को हमेशा फॉलो करती हूँ। सो मैं यहाँ भी कर ले रही हूँ, देन मैं सीरम यूज़ कर ले रही हूँ। मुझे हमेशा से इन दोनों को यूज़ करना काफ़ी पसंद है, हमेशा से नहीं, एक्चुअली जब से मैंने मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है तब से मैं हमेशा अपना स्किन केयर करती हूँ पहले। सो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ, देन मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी गाइस, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना एंड मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड इस वीडियो के लिए मैं क्या बताऊँ, मतलब जो सच है वही मैंने दिखाने की कोशिश की, जैसा होता है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरी आज की ये वीडियो। सो उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया, देन मैं आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। मैं अपने हाफ फेस पर ही मेकअप करूँगी तो उसके लिए, बट आईब्रो मैंने दोनों फिल किया क्योंकि आईब्रो तो सेम होना चाहिए इसलिए। सो मैं अपने आईब्रो को कॉम कर ले रही हूँ। एंड गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना, ताकि आपसे मेरी कोई फ्यूचर अपडेट मिस ना हो पाए। एंड आप लोग मेरी आज की वीडियो से थोड़ा भी रिलेट कर पाते हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो अब मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर ले रही हूँ, मुझे अपने हाफ फेस पर ही मेकअप करना है सो मैं हाफ फेस पर ही करूँगी। सो मैं यहाँ कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों को यूज़ करी हूँ एक साथ, एंड उसको मैं फिर ब्लेंड कर लूँगी वेट ब्लेंडर की हेल्प से। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप जब भी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसे गीला कर लें, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। एंड मैं अगेन फिर से कंसीलर एंड फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हाई कवरेज चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मेरा हाफ फेस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगे। सो इसलिए मैंने इसको फिर से यूज़ किया है, एंड देन मैं फिर इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। एंड इसके बाद मैं इसको सेट कर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट की हेल्प से, देन मैं अपना आई मेकअप करूँगी। सो यहाँ मैंने ट्रांजिशन कलर लेकर अपनी आई पर प्लेस कर लिया है, क्रीज़ के पास तक मैंने इसको प्लेस किया है। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी हाफ़ आइज़ पर, देन मैं सेम कलर की ग्लिटर यूज़ करूँगी जो आई शेडो पैलेट में है, उसको मैं यूज़ कर लूँगी। वो सेम ही कलर है बट थोड़ा सा उसमें चंकी पार्टिकल्स है, सो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं कैसे यहाँ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आप भी जब भी मेकअप करो तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड करो। मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करती हूँ एंड उसको टाइम देती हूँ ब्लेंड करने के लिए। सो आप आई मेकअप करते वक्त या फेस मेकअप करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखो कि ब्लेंडिंग आप अच्छे से करो। सो उसके बाद मैं यहाँ ग्लिटर वाला कलर ले रही हूँ जो कि सेम कलर है, बस थोड़ा सा उसमें ग्लिटर है। सो मैं इसको अपनी हाफ आइज़ पर प्लेस कर ले रही हूँ। मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, बस इतना ही मैंने किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं इस शेड को भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन हमारी आंखों के पास ना आए। सो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। आप जब भी मेकअप करें तो इन सब बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। सो मैं फिर से सेम पहले वाला कलर लेकर उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि वो लाइन जो भी क्रिएट होती है वो छुप जाए। सो उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर यूज़ करूँगी, देन मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, बट उससे पहले मैं सेम कलर लेकर अपने लोअर लैश लाइन के पास भी स्मच करते हुए यूज़ कर ले रही हूँ। एंड अब मैं आईलाइनर यूज़ करी, मैं थोड़ा सा विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी ताकि अच्छा लगे लुक देखने में। अगर आप लोग बिगनर हो कोई भी और आपसे आईलाइनर लगाने में नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता था, बट मैंने धीरे धीरे करके सीख लिया। आपसे भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो उसके बाद मैंने यहाँ काजल भी यूज़ किया, एंड देन मैं उसको हल्का हल्का सा स्मच कर ले रही हूँ।
एंड गाइज मुझे इस साइड मेकअप करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे हाफ फेस पे मुझे थोड़ा सा जो भी करना था कट वगैरह उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो मैं यहाँ कॉन्टोर भी कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप फुल फेस पे अच्छे से चाहिए था, सॉरी मतलब हाफ़ फेस पर मुझे जितना मेकअप चाहिए था वो अच्छे से चाहिए था, प्रॉपर चाहिए था, इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग भी की है एंड मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग भी की है। सो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अपने फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ ब्लश यूज़ कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा अमाउंट में, मैं बहुत कम लेकर यूज़ करती हूँ ताकि वो नेचुरल सा लगे, क्योंकि कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हमेशा थोड़े थोड़े प्रोडक्ट लेकर ही मेकअप करती हूँ ताकि वो नेचुरल सा इफ़ेक्ट दे मुझे। सो ऑलमोस्ट हमारा इस साइड का मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ आई कॉर्नर के पास थोड़ा सा हाइलाइटर लगा ले रही हूँ एंड उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। यहाँ दो कलर यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले पिंक कलर यूज़ किया, देन मैं थोड़ा सा मरून टाइप का कलर यूज़ कर लूँगी। सो अब मैं यहाँ पर कर्लर यूज़ कर रही हूँ अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए, देन मैं मस्कारा यूज़ करूँगी एंड ऑफ कैमरा फॉल्सेस भी यूज़ कर लूँगी। सो इस साइड का मेकअप हो चुका है, अब मैं अपने हाफ फेस पर थोड़ा बहुत करूँगी मेकअप। सो मैं उसके लिए सबसे पहले काजल यूज़ कर रही हूँ, देन मैं अपने आईब्रो पेंसिल लेकर उसको थोड़ा कट बनाऊँगी अपने फेस पर। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लग गई थी। सो उसके बाद मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ रेड कलर में, ताकि वो मार्क लगे कट जैसा, या फिर जैसे चोट लग जाती है तो हमारे फेस पर या हमारे हाथ पर तो कैसे निशान हो जाते हैं, मैंने वही बनाने की कोशिश की है। सो आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ एंड मैंने जो काजल लगाया उसको अच्छे से मतलब फैला ले रही हूँ अपने आँख के पास ताकि वो लगे देखने में कि हाँ। एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आई शेडो भी यूज़ किया अपनी आईज़ के पास ब्राउन कलर में, एंड मैं यहाँ रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर रही हूँ ताकि वो रियल लगे देखने में। एंड मैंने हाफ़ साइड में हाफ़ बिंदी यूज़ किया एंड देन मैं हाफ़ साइड में थोड़ा सा उसको फैला कर यूज़ किया है लिप लाइनर की हेल्प से। सो आप देख सकते हो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो इस तरह से दो फेस के साथ जीती हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए एंड इस तरह से आप मत रहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये। सो आप इस बात के लिए आवाज़ उठाइए, ऐसे चुपचाप घुट घुट कर मत रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा सिचुएशन हर लड़की के ज़िंदगी में होता है, बट जिनके ज़िंदगी में ऐसा है वो प्लीज़ चुप ना रहें, आवाज़ उठाएं एंड इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर ना हो। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।